क्या कैंसर पेशेंट को एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन्स की टैबलेट लेनी चाहिए? अक्सर जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं ना, तो सबसे पहला काम हम यही करते हैं कि उनकी दिनचर्या को चेंज करके, उनकी दिनचर्या में बदलाव करके, उनकी डाइट में थोड़ी बहुत चेंजेस करके, उनकी जो भी फूड सप्लीमेंट्स की टैबलेट चल रही है वो सब कुछ बंद करवा देते हैं। तो क्या होता है, वो लोग ना वापस क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि अगर आप हमारी ये जो विटामिन्स की टैबलेट्स है, एंटीऑक्सीडेंट की टैबलेट्स है, अगर ये सब बंद करवा देंगे तो हमें कमजोरी नहीं आ जाएगी, हमारा वेट लूज नहीं हो जाएगा, हम बीमार नहीं पड़ जाएंगे, हम तो और ज्यादा वीक हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? अरे बात समझा करे। देखिए, कोई भी चीज अगर आप ले रही हैं, उसको लेने का फायदा कब होगा? जब उसके गुण, उसके पोषक तत्व आपको मिलेंगे। देखिए, कैंसर पेशेंट अगर आप कुछ भी टैबलेट्स ले रही हैं, मेडिसिन्स भी ले रही हैं, क्या आप आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर पा रही है? ऑलरेडी आप इतनी सारी ड्रग्स, स्टेरॉइड्स, मेडिसिन, टैबलेट्स सब कुछ लेके ही आ रही है ना, आपकी बॉडी उनको डाइजेस्ट करने में समर्थ नहीं है, उसको नहीं डाइजेस्ट कर पा रही है। अगर आपको एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स लेना है, बिल्कुल जरूरी है हमारी डाइट में, हमारे लिए एक आम व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी जरूरी है, तो कैंसर पेशेंट के लिए जरूरी क्यों नहीं होगा? उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। लेकिन लेने का जो तरीका है ना, उसमें थोड़ा सा बदलाव करवाते हैं। आप जो ले रही हैं वो क्या है, आर्टिफिशियल मेथड है। पर आर्टिफिशियल मेथड क्यों लेना है, जो हर चीज नेचुरल फॉर्म में अवेलेबल है, हर चीज जो भी प्राकृतिक रूप में अवेलेबल है, आप उसको लीजिए ना। अब एंटीऑक्सीडेंट बताइए कितनी चीजों में, लगभग हर तरह की साग सब्जियों में, फल फ्रूट में अवेलेबल है, तो आप उन्हीं का ही डायरेक्ट कंजप्शन कीजिए ना। उससे क्या होगा, बॉडी को फाइबर्स भी मिलेंगे, एनर्जी भी मिलेगी, प्रोटीन डाइट रहेगी तो अच्छा भी रहेगा, आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल रहेगा, कार्बोहाइड्रेट कम लेना पड़ेगा। तो आपको इसी तरह की डाइट इंक्लूड कीजिए ना, कि जिससे आपकी बॉडी को हर तरह से पोषक तत्व मिले। क्यों टैबलेट्स में जाना है, क्यों सप्लीमेंट्स लेना है, क्यों विटामिन्स की टैबलेट्स ही लेनी है? विटामिन्स हर तरह के फूड्स में है। आप हरी पत्ती वाली सब्जियां खाइए। आप क्या क्या खा सकते हैं अपनी डाइट में, हरी पत्ते वाली सारी सब्जियां लीजिए, पालक, मेथी, गोभी, गोभी को इंक्लूड कर सकते हैं, आलू तक खा सकते हैं, आलू के छिलके वाले आलू ले लीजिए। फ्रूट्स में आप एप्पल का प्रयोग कर सकते हैं, जो भी आपके आसपास सीजनेबल फ्रूट्स है। अब देखिए, जब हम कहते हैं ना कि आप फ्रूट्स खाइए, इसका मतलब ये नहीं है कि एक अगर मैंने एप्पल बोल दिया तो उसका मतलब आपको पूरे दिन एप्पल 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 ही खाना है, हर रोज एप्पल खाना है, हर सुबह उठ के एप्पल खाना है। या अगर हमने हरे पत्तेदार सब्जी खाई तो हर रोज आप पालक ही खा रहे हैं, मेथी ही खा रहे हैं, चुकंदर, गाजर, इन सबको भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, डाइट अगर आप जो भी ले रहे हैं, डेली चेंजेस करके लीजिए। अगर जो भी सीजन में आ रहा है, सपोज आपने अगर सुबह पालक खाया था तो कल मेथी खा लीजिए, परसों बथुआ ले लीजिए, चुकंदर को डाइट में इंक्लूड कर दीजिए, आज चुकंदर ले लिया, कल गाजर ले लिया, फिर चुकंदर ले लिया, आंवला ले लिया, नींबू ले लिया। इस तरह से ना अपनी डाइट को हर रोज चेंज करते रहिए, जो भी आप खा रहे हैं ना। लेकिन जो भी प्रकृति ने आपको दिया है, जो भी मैन मेड नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है, नेचर ने जो हमको दिया है ना, वो आप सब कुछ ले सकते हैं। अगर हम आपको सिर्फ दो गोलियां छुड़वा रहे हैं ना, तो 20 ऑप्शन भी तो रख रहे हैं आपके लिए डाइट के। अब उसके बाद क्या होता है, एक प्रॉब्लम और होती है, जो पेशेंट को डर रहता है कि वेट लूज ना हो जाएगा, कैंसर पेशेंट का वेट लूज हो गया तो टैबलेट्स ले रहे हैं, ताकत नहीं रहेगी, वेट लूज हो गया तो। उसके लिए संस्थान ने पुनर्जीवक का निर्माण किया है, इस मेडिसिन का मैन्युफैक्चर किया है, कई सारे शोध करने के बाद में ये औषधि बनाई गई है। ये औषधि स्पेशली इसी तरह से काम करती है कि पेशेंट का वेट लूज नहीं होने देती है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो उसकी इम्यूनिटी लेवल है ना, उसको बूस्ट करती है। इसी तरह से ये औषधि का निर्माण किया गया, जिसके अंदर कोई केमिकल नहीं डाला, कोई स्टेरॉइड नहीं डाला, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला, तो पूर्ण रूप से बिल्कुल केमिकल फ्री है और आप इसका सेवन कर सकते हैं। अब देखिए, जो आप टैबलेट्स ले रही हैं ना, वो केमिकली से, केमिकल्स के प्रयोग से ही बनी हुई है, उसको अलाइव रखने के लिए, मतलब उसको ये समझ लीजिए कि उसका एक्सपायरी डेट जब तक नहीं आता, तब तक वो खराब नहीं होती, उसके लिए भी उसके अंदर कई चीजें और डाली हुई है। आपको ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना है। पूर्ण रूप से अगर आप प्राकृतिक जीवन शैली की ओर भी चले जाते हैं ना, तो ये समझ लीजिए कि आप अपनी बीमारी का 90% तक वहीं पे आपने अपनी बीमारी को खत्म कर दिया है। इसलिए हम प्रीफर करते हैं, हम सबको एडवाइस करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि किसी भी तरह का कोई भी टैबलेट आप यूज कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए उसको धीरे धीरे करके पूरा तरह से बंद कर दीजिए। ऑन द स्पॉट बंद मत कीजिएगा, वीडियो देखिए, ये नहीं कि आज से टैबलेट फेंक दी, क्योंकि आपकी बॉडी उसकी हैबिचुअल है, धीरे धीरे करके हर टैबलेट को हम बंद करते हैं। अगर एक ले रहे हैं, अगर डेली की एक टैबलेट ले रहे हैं, तो 7 डेज बाद भी आप उसको 3/4 कर दीजिए, फिर 7 डेज बाद उसको 1/2 कर दीजिए, फिर 1/4 करके ऑल्टरनेटिव डेज करके उसकी पूरी तरह से उसको छोड़ दीजिए। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट है, कुछ भी स्टेप लेने से पहले ये जो हेल्पलाइन नंबर देख रहे हैं ना, उस पर कॉल जरूर कीजिएगा, पूरी जानकारी लीजिएगा। ये जो नंबर है ना, आप ही की सुविधाओं के लिए है, आप ही के लिए है, जिससे आपका हर हेल्थ रिलेटेड जो भी इशू है वो पूरी तरह से सॉल्व हो सके। किसी भी तरह का कोई भी स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न है, कोई भी डाउट है, आप तुरंत हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और पूरी तरह से जानकारी ले सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, जय गो माता, वंदे मातरम।